नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। तो मेरे व्यूअर ने जानना चाहा है कि अगर कोई लोकोमोटिव बीच रास्ते में खराब हो जाता है और वहां पर कोई दूसरा लोकोमोटिव लाया जाता है, तो जो नया लोकोमोटिव लाया जाता है उस लोकोमोटिव को कौन से लोको पायलट आगे तक लेकर जाएंगे? क्या नए वाले लोको पायलट उस ट्रेन को लेकर आगे तक जाएंगे या फिर पुराने वाले? अगर नए वाले लेकर जाएंगे तो पुराने वाले लोको पायलट क्या करेंगे? दोस्तों, ऐसी कई सारे सवाल हैं जो इनके मन में हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई लोको फेल्योर की घटना होती है तो यहाँ पर भारतीय रेलवे का क्या नियम है। दोस्तों, रेल यात्रा के दौरान आपने या फिर किसी के साथ ऐसी घटना जरूर हुई होगी कि उनका लोको जो है फेल हो जाता है। दोस्तों, ऐसे में सबसे पहले लोको पायलट को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने तरीके से सारी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें कि हो सकता है वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। लेकिन इसके बाद भी अगर यहाँ पर वो चीजें नहीं होती है तो वह इस मैसेज को सेक्शन कंट्रोलर तक पहुँचाते हैं और सेक्शन कंट्रोलर के द्वारा एक नया लोकोमोटिव का अरेंजमेंट किया जाता है। दोस्तों, रेलवे कोशिश यही करती है कि सेम ग्रुप का लोकोमोटिव वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए। मतलब कि अगर लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक लोको मिलेगा, अगर लोकोमोटिव डीजल है तो डीजल लोको मिलेगा। इस तरीके से जब वो नया लोकोमोटिव वहाँ पर आता है तब यहाँ पर रेलवे के द्वारा दो नियम अपनाया जाता है, गुड्स ट्रेन के साथ अलग नियम और पैसेंजर ट्रेन के साथ अलग नियम। दोस्तों, अगर वह ट्रेन जिसका लोको फेल हुआ है कोई गुड्स ट्रेन हो तो यहाँ पर अगर कोई नया लोकोमोटिव आता है तो जो नया लोको पायलट होते हैं वही जो है उस लोकोमोटिव में अटैच होकर आगे की जर्नी कराएंगे, और जो खराब लोकोमोटिव में जो लोको पायलट थे वह खराब लोकोमोटिव में चुपचाप बैठे रहेंगे और वो अपने डेस्टिनेशन तक जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यही चीज अगर पैसेंजर ट्रेन के साथ होगी तो जो नया लोकोमोटिव आएगा उसमें जो लोको पायलट रहेंगे वह खराब वाले लोकोमोटिव में बैठेंगे और जो खराब लोकोमोटिव का लोको पायलट है वह नए वाले लोको में बैठकर उस ट्रेन को आगे तक की जर्नी पूरी कराएंगे। मतलब कि यहाँ पर भारतीय रेलवे पैसेंजर ट्रेन के साथ एक अलग तरीके से ट्रीट करती है। वह कहना यह चाहती है कि उस रूट के बारे में जिस लोको पायलट की ड्यूटी थी, जिसे पूरी जानकारी है, वही जो है उस ट्रेन को आगे तक लेकर जाएंगे और जो खराब लोकोमोटिव में नए वाले लोको पायलट बैठ कर जाएंगे। यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन के साथ अलग तरीके से और गुड्स ट्रेन के साथ अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, जो कि एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि लोको फेल्योर की घटना में भारतीय रेलवे के द्वारा क्या किया जाता है। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। सो इस वीडियो बस इतना ही।